थीम तो बहुत ही बढ़िया है मल्टीलिंगुअलिज्म, दुनिया में भारत के मुकाबले कोई देश नहीं है। वी आर अ यूनिक नेशन व्हेन इट कम्स टू रिचनेस ऑफ लैंग्वेज। वी हैव सेवरल लैंग्वेजेस। चेयरमैन राज्यसभा, आई अफोर्ड अपॉर्चुनिटी टू मेंबर्स टू स्पीक इन 22 लैंग्वेजेस एंड दे अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। और जब मैं उनको अपनी भाषा में भाषण देते हुए सुनता हूं तो ट्रांसलेशन तो सुनता ही हूं पर उनकी बॉडी लैंग्वेज ही मुझे बता देती है कि वो क्या बोल रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड इट, दे आर एट देयर बेस्ट। और इसीलिए इस देश में 3 दशक के बाद एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम आया एंड वी हैड अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड दैट लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन मदर टंग, मातृभाषा। फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आई विल अपील टू स्टेट्स दैट हैव नॉट अडॉप्टेड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू रीथिंक, रीविजिट, because this national education policy is a game changer. This national education policy allows our youth to fully exploit their talent and energy, and it gives importance to all languages. Matrabhasha ki to baat hi alag hai kyunki wo bhasha hai jisme hum sapne lete hain aur hamara jeevan kahan hai, sapno ko sakar mein साकार करने में लगा रहता है। द गुड थिंग फॉर यंगर पीपल टूडे इज देर इज एन इको सिस्टम इन प्लेस दैट अलाउज यू टू अनलिश योर एनर्जी, एक्सप्लोर्ट योर टैलेंट एंड पोटेंशियल, रियलाइज योर एस्पिरेशन एंड ड्रीम्स। मातृभाषा में जब सपना लोगे तो इस इको सिस्टम का फायदा उठा पाओगे।